खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 साल के बच्चे का शव बैग में मिला है। यह मामला बोहाड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल जब बैग मिला तो बच्चे के हाथ पैर रस्सी से बंधे मिले। बच्चे की हत्या करने के बाद उसे बैग में बंद करके ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 1 के पास फेंक दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है।